अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट्स। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट। यू कैन आल्सो वॉच दिस वीडियोस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इन एक्सट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट्स। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट्स, द प्योर मटीरियल इज बेसिकली इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट which has no impurity, this is 100% material, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि इसमें 100% प्योरिटी होती है। अब इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिपेयर मटीरियल ऑफ 100% प्योरिटी। हमें पता है 100% प्योरिटी का मटीरियल तो हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई ना कोई हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी ही पड़ती है, या तो हम उसको इंटेंशली अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी एग्जांपल लें ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं कि हम हाई प्योरिटी सिलिका ग्लास को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हाई प्योरिटी सिलिका ग्लास को यूज़ तो करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ट्रेस अमाउंट होता है वेरी वेरी लो, ट्रेस अमाउंट में कुछ ना कुछ मेटल की इम्प्योरिटीज़ अंदर ज़रूर ऐड होती हैं, ठीक है। मतलब उनकी कितनी अमाउंट हो सकती है, PPB, पार्ट्स पर बिलियन, ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट है। लेकिन है तो सही ना, मतलब 100% प्योरिटी तो हम अचीव नहीं कर सके इस केस में भी। तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आपको ये चीज़ें अंदर इम्बाइट करना पड़ती हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर ऐड करना पड़ती हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि आप बाहर से कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर हमने क्या किया, ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल इम्प्योरिटीज़, कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड की है। अब जो इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट होते थे वो स्टीशियोमेट्रिक होते थे, मतलब उसमें जो स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट थी या जो भी रेशियो थी वो बिल्कुल चेंज नहीं थी होती। लेकिन यहाँ ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक है, या आगे एग्जांपल से पता चल जाएगा इसमें चेंज होगी, ठीक है। और इसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं। इन चीज़ों को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और इसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम स्टडी करते हैं डोपिंग को, और एक हम स्टडी करते हैं कलर सेंटर को। तो सबसे पहले हम डोपिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सो वाट इज़ डोपिंग? डोपिंग हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी आर फॉरन एटम्स इन टू द होस्ट लेटिस। मतलब जो आपका क्रिस्टल है, जो आपका क्रिस्टल लेटिस है, आप बाहर से कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करते हैं या कोई और फॉरन एटम ऐड करते हैं। फॉरन एटम ऐड करना या इम्प्योरिटी ऐड करना एक ही चीज़ है। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा इन्हेंस कर सके, उनके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन लेके आ सके, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यही चाहते हैं ना कि हमारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, तो हमें अपने मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ती है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें अपने क्रिस्टल लेटिस के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी या फॉरन एटम को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक करते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, एक हमारे पास होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इन ये बेसिकली डोपिंग की एग्जांपल है। इनमें हम डोपिंग करते हैं, ये भी मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास प्योर सिलिकॉन हो या प्योर जर्मेनियम हो, बिल्कुल प्योर, तो वो तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेसिकली डोपिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो डोपिंग तो इंट्रिंसिक नहीं ना होती, डोपिंग में तो 100% प्योरिटी हमारे पास नहीं होगी, हमें कोई ना कोई बाहर से चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करूँ तो इनके पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ अटैच हुए होते हैं। जैसे ये सिलिकॉन है और ये इसमें से जो एक है ये इस सिलिकॉन का है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है, ठीक है। इसी तरह इसमें से ये जो सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का,
एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इसका और एक इसका। तो यानी ये सिलिकॉन एक अपने नेबरिंग एटम्स के साथ इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये है इंट्रिंसिक सिलिकॉन यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल हम ऐड करते हैं, फॉरेन एटम हम ऐड करते हैं। तो उस जब फॉरेन चीज़ हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक हमारे पास बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सिलिकॉन थे, ठीक है। आपने क्या किया, सिलिकॉन के अंदर डोपिंग करनी है ना, सिलिकॉन के अंदर आपने किसको ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम को। हमें पता है एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के वैलेंस में। तो ये एल्यूमिनियम था, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ब्लैक से शो किया हुआ ये वाला, ठीक है। ये एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला। इसी तरह ये पहले ये 4 सिलिकॉन थे अपनी जगह पे, आपने क्या कर दिया, इस तरह था, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन सिलिकॉन की जगह आपने एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी, तो एल्यूमिनियम के तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 हैं जो ब्लू मार्कर वाले हैं, ये एक इस सिलिकॉन का है, एक इस सिलिकॉन का, एक इसका और एक इस सिलिकॉन का। लेकिन इधर इधर जो ये जो सिलिकॉन था इसके भी 4 थे, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 3 होते हैं, मतलब उसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ब्लैक कलर में है ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी एल्यूमिनियम का हो गया और ये भी एल्यूमिनियम का, उसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हॉल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है जो हमारे पास होल होता है वो तकरीबन पॉजिटिव आयन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। ये नहीं कहना कि पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, कहना हमने यही है कि होल क्रिएट हुआ है, लेकिन होल बेसिकली एक्ट लाइक अ पॉजिटिव आयन। तो इसी को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मतलब होल क्रिएट होता है जो बेसिकली पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, तो पी फॉर पॉजिटिव, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हमने किया गया है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की हमने डोपिंग की है एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट से, ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें एल्यूमिनियम भी हो सकता है, गैलियम भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह उसको शो करेंगे, क्योंकि इन सब के वैलेंस में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें हुआ क्या है, होल क्रिएट हुआ है, और एक मिनट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। इसमें क्या होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम, जैसे इसमें हमने ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ऐड किया है और हमारे पास बनी है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हम पेंटावेलेंट एलिमेंट को ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं फास्फोरस या आर्सेनिक, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हमने फास्फोरस लिया है। तो यहाँ पे तो सिलिकॉन है उसी तरह, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर हमने डोपिंग की है, यहाँ पे सिलिकॉन था ना पहले, जैसे ये है, ठीक है, उसकी जगह पे हमने फास्फोरस रख दिया। अब क्या होगा कि पहले हम सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ब्लू से सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, हमने 3 को शो कर दिया, और एक होल, एक एक पे तो फिल नहीं था, हो सकता उधर होल क्रिएट हो गया। यहाँ पे फास्फोरस के 5 होते हैं, ऐसे एक इधर आएगा, एक इधर, 3, 4,
एक इधर रखें, मतलब एक इधर आ गया, फिर इधर कहीं रख दें, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इसी तो इसको हम कह सकते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था, यहाँ पे कोई होल नहीं क्रिएट हुआ, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया वो। ठीक है, तो इसमें होल क्रिएट होता था। अगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखें, होल क्रिएट होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, और इसमें बेसिकली जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो एक एक्सेप्टर होता है। तो जब वो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर ली उसने, तो यहाँ पे वो होल ही क्रिएट करेगा ना, इनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें। फास्फोरस जो होता है वो डोनर होता है, डोनर एटम, मतलब ये देता है। तो देखो इसने फ्री इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, ये एक्सेप्टर था तो इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए और होल क्रिएट कर दिया। और अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो ये फास्फोरस एक डोनर एलिमेंट था, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये होती है डोपिंग। डोपिंग तो इसमें ये स्टिच्योमेट्रिक रेशियो चेंज हो गई ना, यस ये चेंज हो गई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कम ही हो गए, तो मतलब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल भी बरकरार नहीं रही, वो चेंज हो गई है, कोई और एटम आपने अंदर ऐड कर दिया, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे एलुमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन की बजाय। और इसको फर्दर इसको थोड़ा सा हम चेक करें तो इसी तरह एक सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होते हैं? जिसमें फॉरेन एटम आता है और होस्ट एटम को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें साइज तो सेम ही रहेगा। अच्छा ये देखिए, ये जो इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की, कैसे फॉरेन एटम कैसे होस्ट एटम को रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दोनों का साइज सेम हो जाता है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरस्टीशियल डिफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, फॉरेन एटम आके मतलब बाहर से कोई फॉरेन एटम मतलब बाहर से कोई एटम आके तो क्रिस्टल के अंदर जो इंटरस्टीशियल साइट्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको थोड़ा सा अगर हम चेक करें डायग्राम से, जैसे ये क्रिस्टल के अंदर इस तरह था, ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा साथ साथ बन गया, इसको खोला करना, यहाँ पे ये इंटरस्टीशियल साइट्स हैं। ठीक है, तो फॉरेन एटम आया है और उसने इंटरस्टीशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी तरह कुछ सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होते हैं, कुछ हमारे पास इंटरस्टीशियल डिफेक्ट होते हैं। सो हम एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ी सी। अगर हम जिरकोनियम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, जिरकोनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? क्यूबिक फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, फ्यूल सेल्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, जिरकोनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है क्यूबिक फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्यूब की तरह। अब क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर कैल्शियम ऐड करते हैं, यानी कैल्शियम की डोपिंग करते हैं, कैल्शियम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर। होगा क्या इसमें, इसमें एक ऑक्सीजन -2 होता है, तो दो ऑक्सीजन कितने होंगे, -4, और ये +4, जिरकोनियम +4 में है और ऑक्सीजन दो है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन इस तरह और एक ऑक्सीजन इस तरह, इस पे भी -2, इस पे भी -2। अब क्या होगा कि कैल्शियम आएगा, और वो इसकी जगह पे चला जाएगा, जिरकोनियम +4 की जगह पे, ठीक है, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, कि फॉरेन एटम आया और उसने लेटिस यानी होस्ट के एटम को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे चला गया, यानी ये ऐसे होता है। इसको अगर डायग्राम से चेक करना हो तो, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं दो दो लगा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये
ये थे होस्ट एटम, ठीक है, मतलब इस तरह थे लेटिस में एटम, लेकिन बाहर से एक एटम आया और वो इसकी जगह पे आ गया, उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसकी जगह पे कैसे आ गया, क्योंकि उन दोनों का साइज़ सेम था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर लेते हैं। इसी तरह ये कैल्शियम प्लस टू और जिरकोनियम प्लस फोर का साइज़ एक जैसा होता है तकरीबन, ये इसकी जगह पे चला गया। अब ये जो प्लस फोर है और ये माइनस फोर, चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैल्शियम प्लस टू है, इन दोनों में से किसी एक किस पास ही जाएगा ना, चले इसके पास वो चला गया, ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, इसको वो बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। प्लस टू को माइनस टू चाहिए, अगर ये दोनों आ जाते तो फिर माइनस फोर होना था और ये प्लस टू, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं थी रहनी, इसलिए एक माइनस टू चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एन आयनिक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी सॉरी, ठीक है, एन आयनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो ओ माइनस टू है, यही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बायस बनेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल ऑक्साइड ओ माइनस टू वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ ना ये सब, और ओ माइनस टू वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ओ माइनस टू है, ऑक्साइड आयन है, वो क्या करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा कंडक्टिविटी को, ठीक है, तो इस तरह मतलब आप डोपिंग के जरिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन्हेंस की है आपने अपने मटेरियल की, ठीक है, तो इसलिए डोपिंग एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज निकल ऑक्साइड, ठीक है, निकल ऑक्साइड है ये, आप क्या करते हैं, निकल ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड हम ऐड करते हैं, लिथियम ऑक्साइड की आप कह सकते हैं डोपिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, निकल इस टाइम प्लस टू में इधर, क्योंकि ओ माइनस टू है तो निकल प्लस टू होगा ना, ओके, लेकिन जो लिथियम होता है हमें पता है वो क्या होता है, लिथियम तो प्लस वन होता है, तो जब लिथियम निकल की जगह पे जाएगा, लिथियम तो प्लस वन है, ऑक्सीजन माइनस टू ही है, तो माइनस वन चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, ये देखना, ये प्लस वन है, इसमें से एक माइनस वन को तो वो बैलेंस कर देगा, लेकिन एक माइनस वन तो रह गया ना, तो उस माइनस वन को बैलेंस नहीं, वो बैलेंस नहीं हो सकता, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई, तो यही जो माइनस वन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो यही कंडक्शन करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह भी कंडक्शन करवा सकते हैं। अगर निकल ऑक्साइड को हमने लिथियम के साथ डूब किया हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो 10 की पावर 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोपिंग का हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। और ये जो है, ये टेम्परेचर जो 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा इसको एक और चीज़ की, इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड वेलेंस सेमीकंडक्टर, ये हमारे कंट्रोल में होता है ना, हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी तो इंट्रोड्यूस करवा सकते थे कि ये माइनस वन भी हमारे पास बिल्कुल बैलेंस हो जाता, लेकिन हमने लिथियम इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि उससे 10 की पावर 10 टाइम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है और निकल ऑक्साइड की वो इन्हेंस हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड वेलेंस सेमीकंडक्टर, ये हमारे कंट्रोल में होता है सारा प्रोसेस, और इसको बेसिकली हम फ्यूल सेल्स में यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, या आप किसी किस्म के जो भी केमिकल सेंसर्स होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रिंसिक पॉइंट इफेक्ट, और ये मैंने डोपिंग को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक कलर सेंटर रह गया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आपको किसी किस्म में प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट करें, आई विल आंसर यू, थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।